वेलकम टू आवर चैनल रंजना स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं लाया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। 27 तारीख को एग्ज़ाम है सभी स्टूडेंट्स का, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ SAQ क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। इसमें से आप लोगों को 100% सभी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सरकार के अंग जो लेसन है उसका ये MCQ क्वेश्चन है। तो आप लोगों का टोटल 24 MCQ, 16 SAQ, 40 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए यहाँ से देख सकते हैं, शक्ति पृथक्करण की नीति सबसे पहले किसने जो है अपनाने वाला देश, तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया, मॉन्टेस्क्यू ने। अनुवांशिक शासक की देश किस देश में पाया जाता है, तो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में। संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च सदन को क्या कहते हैं, सीनेट। ग्रेट ब्रिटेन के संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ग्रेट ब्रिटेन के संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। अमेरिका के संसद को किस नाम से जानते हैं, कांग्रेस। अमेरिका के संसद के निम्न सदन का नाम क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, कानून की व्याख्या करना, कानून तोड़ने वालों को सजा देना। सरकार के प्रमुख अंग कितने हैं, तो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना, कानून बनाना। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, कार्यपालिका का प्रमुख काम क्या है, तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना कार्यपालिका का प्रमुख काम है। 13वां क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं या भेजे जाते हैं, तो आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन, सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, आंसर होगा इसका विधायिका। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक कार्यपालिका वाले एक देश का नाम, आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, लेसन 7, भारत में कार्यपालिका। UPSC का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार कौन है, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री का पूछेगा प्रमुख सलाहकार या परामर्शदाता, तो यहाँ पर राष्ट्रपति होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोगों का। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, आंसर होगा इसका राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से की जाती है, तो राज्य के बाहर से की जाती है, यानी कि राज्य के बाहर के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है। भारत उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, आंसर होगा लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रमुख राजनीतिक अधिकारी कौन होता है, आंसर होगा मुख्यमंत्री। 12वां क्वेश्चन, राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी कौन होता है, तो राज्यपाल। 13वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश में लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल लगाते हैं, अनुच्छेद 356 द्वारा। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति वित्तीय या आर्थिक आपातकाल लगा सकते हैं, तो अनुच्छेद 360। ये आप लोगों का जरूर आएगा एक क्वेश्चन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगने वाला आपातकाल, और अनुच्छेद 360 द्वारा वित्तीय या आर्थिक आपातकाल। एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। भारत के राष्ट्रपति कौन से अंग हटा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को, तो आंसर होगा यहाँ पे विधायिका। यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है, आंसर होगा विधायिका। 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, आंसर है महाभियोग लगाकर। 18वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव किनके द्वारा किए जाते हैं, तो सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य और सभी राज्य के विधानसभाओं के सदस्य जो है इसमें हिस्सा लेते हैं।
राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करते हैं? आंसर होगा जब संसद का सत्र न चल रहा हो और प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश करे तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं इंग्लिश में। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर होगा उपराष्ट्रपति। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। भारत में तारों के बीच चंद्रमा कौन है? आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संचालित करते हैं? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, जिसको इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के दो कार्य लिखे तो मंत्रिमंडल का निर्माण करना, मंत्रियों के बीच विभागों को बांटना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। मुख्यमंत्री के दो कार्य मंत्रिमंडल का निर्माण करना और जो है विधानसभा के नेता के रूप में, और मंत्रिमंडल का निर्माण, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, ये सब। 28 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के दो कार्य तो अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, राज्यपाल बनने की दो योग्यता लिखें तो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने की योग्यता तो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और आगे भी अपलोड होने वाले सभी वीडियो को देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक आप लोग उठा सकें। 100% जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें से ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।